न्याजी साहब, हम मुख्तलिफ जमाते हैं, हमारा आपस में एक तय हुआ था, एक लिखी हुई तहरीर है, उस पर हमने साइन किया सारी जमातों ने, और उसमें राबता इखलाक लिखा गया कि हम इत्तफाक राय से फैसले करेंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ मजहबी जमातें भी हैं, सियासी जमातें हैं, इलाकाई जमातें हैं, मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ एजेंडाज हैं, जिनसे कई पॉइंट से, कई हमारे इशूज से बाकी जमातें एग्री नहीं करेंगी, कई दूसरी जमातों के पॉइंट से हम एग्री नहीं करेंगे, तो जिन पे सब जमातों का इत्तफाक होगा उन पॉइंट्स के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे, और हमारा एजेंडा इस हुकूमत को घर भेजना है। अब वो एजेंडा को और मजबूत कर रहा है आपका गवर्नमेंट को जी, आपका एजेंडा जो है वो तो ज्यादा गवर्नमेंट को मजबूत करता है। नहीं बै, किस तरह हमारा एजेंडा गवर्नमेंट को मजबूत कर रहा है कि आपस में आप लोगों की लड़ाई जो है, हमने इन दोस्तों को बाय इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के ऊपर फाइल किया, ये तो बायकॉट करना चाहते थे, तो क्या बाय इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने के बाद हुकूमत मजबूत हुई है? हमने इन दोस्तों को ये तो इस्तीफे दे के सेनेट के इलेक्शन को रोकना चाहते थे, जो कि नहीं रुकना था, गलत फैसला था, हमने इनको कायल करके सेनेट में इलेक्शन लड़वाया, और आज हुकूमत उस सेनेट इलेक्शन की वजह से जिस बहरान का शिकार है, इतना बुरी तरह एक्सपोज हुई है और अंदर से फट गई है, क्या ये हम हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं क्या साहब?